जी गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है दिवाली का दूसरा दिन, तो आई होप कल आपकी दिवाली आपने अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। कुछ लोग आज भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने आज भी पूजा की है, तो आज भी हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी गार्लिक मशरूम, तो जिसकी मैं रेसिपी आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है? चलो। हाँ जी गैस, तो मशरूम का सारा मटेरियल मैंने रेडी कर लिया है। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, ये देखो, ये गैस फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, और पानी सूख गया है प्रॉपर। और देख, इसको लो कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ। ये प्याज मीडियम साइज़ के मैंने 3 प्याज लिए, और हरी मिर्च ली एक, और इसको मैंने कद्दूकस किया है ताकि इसका छिलका अलग हो जाता है टमाटर का। गार्लिक खूब सारा, और 4 क्यूब लिया मैंने बटर किया, अमूल बटर, और काली मिर्ची, नमक, और ये मशरूम का एक पूरा पैकेट। और ये मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको दिखा दूँ, कुछ लोग ना ये डंठल यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने यूज़ किया है इसके छोटे छोटे टुकड़े, इसलिए कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और ये मैंने चॉप किया है, और सेम इसको भी चॉप कर लूँगी। तो अभी मैं इसमें डालती हूँ ये सारा कुछ, मैं दिखा दूँ। चलो जी, अभी 4 क्यूब फ्लेम बंद हो गया है। इसको मैं फ्राई करूंगी। सारी चीजें एक ही साथ डाल दी है टमाटर को छोड़ के, क्योंकि हमने इसको ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, हल्का सा ही भूनना है ताकि खाने में कच्चापन ना आए। तो ये सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं। ये देखो, जो मैं आपको बता रही थी, इसके ऐसे मैंने छोटे पीस किए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छोटे पसंद है पीसेस, और इसके मैंने इसलिए छोटे पीस किए। और इसको डंठल को ऐसे करके गैस फ्लेम को थोड़ा मैं लो कर दूंगी, और इसको हल्का सा पकाएंगे। ये 3 ऑर्गेनिक की पाउच हैं जो मैंने रखे हैं, क्योंकि मैं बॉक्स नहीं रखती, वो ख़राब हो जाता है। और एक चिल्ली फ्लेक्स है गैस फ्लेम को लो कर देते हैं, क्योंकि ये बंद हो जाता है बार बार मेरे को। इसको हिला देंगे, और जब ये पक जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। उसको फिर मैं स्लो आंच पे पकाऊंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। काली मिर्ची के बिना मशरूम का कोई मतलब ही नहीं बनता, थोड़ी सी डालना। और चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो, ऑरिगैनो की मैं 3 पुड़ियाँ डाल रही हूँ। तीसरा और ये लाल वाला चिली फ्लेक्स, बस ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें सारे जो मसाला है उसका स्वाद बढ़ जाएगा। बाद में आप ऑप्शन है कि ऑप्शनल है कि आप धनिया डाल सकते हो, हमारे पास धनिया अवेलेबल नहीं है, तो कस्तूरी मेथी यूज़ करेंगे। चलो जी, जब रेडी हो जाता है मैं दिखाती हूँ। अब मैं इसमें ये धनिया की जगह ये यूज़ कर रही हूँ मेथी, क्योंकि मेरे पास धनिया अभी अवेलेबल नहीं है, मार्केट में भी इतना कुछ खास धनिया आया नहीं है, तो इसलिए इसको मैं ऐसे करके ढक देती हूँ।
हाँ जी, तो मशरूम रेडी हो रहे हैं। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये गार्लिक मशरूम जो है उसमें टमाटर की जो, टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं, पर मेरे हस्बैंड को टमाटर बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने टमाटर ग्रेट करके डाला है, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है जी, अभी मेरे हस्बैंड आ गए। बहुत बढ़िया बनाया जी इन्होंने, अभी इन्होंने खाया नहीं पर इनको खुशबू से पता चल गया। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, इसी वजह से मैंने आपको बोला है। ओके, गुड, ग्रेट, नाइस, थैंक यू। ये मेरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो चलो अभी 5 मिनट हो गए, हम चेक करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलो मैं दिखाती हूँ। वाओ, देखो ये जो अमूल बटर डाला है, ऑयल छोड़ा है अपनी साइडों में, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखो टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे मशरूम बन चुके हैं, गार्लिक मशरूम। इसमें आप और कोई भी चीज़ और ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो वो गार्लिक मशरूम का तो कोई नाम ही रह जाएगा, क्योंकि क्रीम वाले मशरूम और होते हैं। तो इसको हम गैस फ्लेम को कर देते हैं बंद, फिर इसको हम टेस्ट करके बताते हैं। कैसा है जी? बहुत अच्छा। देखो जी, ये मैंने थाली सजाई, ये पापड़ रखा है, साथ में मूली रखी है, साथ में क्यूकम्बर रखा है, खीरा, ऊपर से आप कोई भी मसाला डाल लो। और ये है स्पेशल जो अपनी गार्लिक मशरूम की रेसिपी जो हमने बनाई है। तो अभी मैं मशरूम, स्पेशल मशरूम जो गार्लिक मशरूम, में टेस्ट करती हूँ। बहुत टेस्टी है, सच्ची में बहुत टेस्टी है ये रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी तो बताना और अपने घर पे ट्राई करो और खाओ, अपने पति को और अपनी फैमिली को, मम्मी डैडी सबको खिलाओ। ये देखो ऑयल, देखो कितना सही लग रहा है कलर, मेरे पति ने डाल लिया पेट में। चलो जी, ओके जी, बाय बाय गाइस।